हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। धरती पर मेरे पास सब कुछ है। वहां मेरे पास सुख, भोग, सब कुछ इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। हम आपको ये आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। नहीं दे सकते? एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया।
हूं और इतना वीर। अरे इस मृत्यु लोक के मानों ने आकर हमारी तो बाजी पलट दी। इसके पास अवश्य ब्रह्मास्त्र होगा। हमारे हाथ में आया हुआ स्वर्ग इसने हमसे वापस छीन लिया उस युद्ध में महाराज मुचुकन ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि असुर त्राही त्राही कर उठे। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचुकन जैसे परम शूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचुकन से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। महाराज मुचुकंद की जय। 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 महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। स्वर्ग लोक में चारों ओर आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही है। इस बार देवासुर संग्राम में जब असुरों से देवता हारने लगे थे तब हमने आपसे सहायता मांगी थी। उस समय पृथ्वी लोक पर आपका एक महान साम्राज्य था जो आपके महान पिता सम्राट मानधाता से आपको मिला था। आपके पास भोग ऐश्वर्य और सुख की समस्त सामग्री थी, परंतु हम देवताओं की प्रार्थना पर आप अपना समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग कर हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज आपके पुण्य प्रताप से देवताओं को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां मेरे पास सुख भोग सब कुछ इतना है
कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहां आया था, मेरा वो कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। वैसे भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक में जाने की आज्ञा मांगता हूं, जहां मेरी प्रजा, मेरी रानियां और मेरे पुत्र मेरे आने का रास्ता देख रहे होंगे। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुचकंद। परंतु परंतु क्या? परंतु क्या देवराज? परंतु क्या देवराज? आज मुचकंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। वहां मेरा कोई नहीं रहा? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचकंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्ग लोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास एक वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है। बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा
तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं, धन काम ऐश्वर्य धर्म अर्थ जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं, मांगिए, वर मांगिए महाराज, वर मांगिए महाराज। हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा, किसके लिए मांगू? आपकी बातें सुनकर अब उन सब की इच्छा ही नहीं रही, और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा नहीं। हे महात्मा, आपने देवताओं पर इतना बड़ा उपकार किया है जिसका ऋण चुकाने के लिए ही आप अवश्य कोई वर मांग लीजिए। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूं। इतनी देर तक युद्ध करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। बस यही वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु।